हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। बेसिकली आज है सैटरडे का दिन और आप लोगों को पता है आज का दिन मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट तो बेसिकली बंद ही था दोस्तों। ठीक है, जो मूवमेंट हुआ लास्ट फ्राइडे को मैं आप दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर गिरावट रही है। ये गिरावट क्यों रही है, बहुत सारा यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है कोरोना वायरस के इफेक्ट से, देन वहाँ से चल के स्लो इकोनॉमिक डाउन हो रही है। उसके अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ में भी काफ़ी मोमेंटम हुआ है, जो 4.5% थी वो बढ़ के अब यहाँ पर 4.7% की हो गई। तो क्या आने वाले दिनों में अपने को मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। और जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दो दिग्गज आईटी कंपनी, एक तो विप्रो लिमिटेड, देन सेकंड है एससीएल टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी जो इनके जो सीईओ और जो फाउंडर है उनको काफ़ी लॉस हुआ है लास्ट एक हफ्ते में। तो आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि क्या लॉसेस हुआ है और किस बेस पर आने वाले दिनों में आप लोगों को मार्केट का मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले विप्रो के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो विप्रो में कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला लास्ट फ्राइडे को। मार्केट बेसिकली गिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट डरिए मत, जो जिनका भी पोर्टफोलियो, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनका यहाँ पर पोर्टफोलियो 50% से नीचे आ गया होगा, किसी का 20% डाउन हो गया होगा, लेकिन घबराइए मत, यहाँ से माल और दबा के उठाइए कि आने वाले दिनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सके। अब इसका अगर मैं क्लोजिंग प्राइस बताता हूँ विप्रो का लास्ट, तो आप देख सकते तो ओपन देख सकते हो हाई, देन 52 बिक का लो लगा दिया इसने। इतनी खतरनाक गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है। 52 बिक का हाई एक साल पहले जो जनवरी के मंथ का था, जो कि आप लोगों को पता है जो 300 रुपये का था, 52 बिक का हाई आप देख सकते हो यहाँ पर। करीबन अगर मैं इसकी बात करता हूँ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो मोमेंटम जो मार्केट में आ रहा है, लास्ट फ्राइडे को न्यूज़ आया है कि रिटेल इन्वेस्टर, इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी है सबको मिला के यहाँ पर 5 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितना भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिल रहा है। और मेन चीज़ ये कि ये दिग्गज ऐसी कंपनियाँ आईटी सेक्टर की, आप लोगों को पता है विप्रो ने लगभग 15% से ज़्यादा यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, ये स्टॉक 10 बार से ज़्यादा ही स्टॉक ने आप लोगों को पता है बोनस दिया है, कभी एक शेयर पे एक शेयर, कभी 2 शेयर पे 4 शेयर, इस प्रकार से मोमेंटम दिया है। तो आने वाले मोमेंटम मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है कि जितना माल उठा सकते हो इस गिरते हुए मार्केट में दबा के माल उठाइए और लॉन्ग टर्म के साथ जाइए, तो आप इजीली इन कंपनियों में एक शानदार प्रॉफिट ले सकते हो। अब डिलीवरी पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट में 25 लाख से ज़्यादा आप लोगों को डिलीवरी पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर लाता हूँ आप लोगों को, तो दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हो कितना शानदार रहा है। दिसंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर का पर कंपैरिजन में बता देता हूं, टोटल इनकम जो है वो नेट प्रॉफिट और लॉस जो आप लोगों को लेक में पता चलेगा, जो दिसंबर क्वार्टर में हुआ है वो 2,26,000 का प्रॉफिट, जो कि सितंबर क्वार्टर में था यहाँ पर 2,24,000 के समथिंग का, ठीक है। 24 जनवरी को इन्होंने डिविडेंड दिया 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड तो आप लोगों को पता है हर साल ये कंपनी बांटती है, ठीक है, तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करता हूँ तो 74% की प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास अगर मैं बात करूँ रिटेल इन्वेस्टर के पास 25% की यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों ये स्टॉक को आप अभी अवॉइड नहीं कर सकते हो गिरते हुए मार्केट में, ना ही पोजीशन काट सकते हो। मैं बोल रहा हूं फुल कॉन्फिडेंस है कि आप इसे खरीदिए और एक शानदार पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एससीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एससीएल टेक्नोलॉजी में भी करीबन 6% की गिरावट, ठीक है। इसका मार्केट प्राइस चेक कर सकते हो, लास्ट प्रीवियस क्लोज ओपन हाई लो प्राइस 52 बिक का हाई और 52 बिक का लो अगर वॉच करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो 52 बिक का हाई देख सकते हो करीबन 626 रुपये के आसपास है, 52 बिक का लो करीबन 496 रुपये के आसपास है। तो क्या गिरावट है मार्केट में, गिरावट आती जाती रहती है दोस्तों। तो आप लॉन्ग टर्म के अगर स्टॉक को रख रहे हो, यानी कि पैसा भूल रहे हो मार्केट में लगा के, तो आप लोग एक सही प्रकार से सही कर रहे हो। लेकिन ऐसी कंपनियाँ चूज़ करिए जो मार्केट में आप लोगों को पोजिशन दे, ऐसी नहीं कि 50 रुपये वाला शेयर खरीद लिया, कंपनी का कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई मार्केट कैपिटल नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब इसका डिलीवरी पैटर्न देख लेते हैं,
डिलीवरी पैटर्न देखिए, इसमें भी 56 लाख से ज़्यादा की डिलीवरी देखने को मिल रही, तो आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन पे लेके चलता हूँ इसकी भी, तो रिजल्ट तो आप लोगों को आईटी सेक्टर का बेस्ट ऑन बेस्ट देखने को मिलेगा। जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, 2,44,000 का यहाँ पर रिजल्ट रहा था, जो कि सितंबर क्वार्टर में 2,23,000 का रहा था। इन्होंने भी 24 जनवरी को 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड दिया दोस्तों। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हो। इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए रखिए दोस्तों, ना कि आप इसे अवॉइड करते चलिए। जितना माल हो सके उतना खरीदे और काफ़ी अच्छा मूवमेंट ले सकते हो। ठीक है, अब इनके चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूँ, फिर लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि मेन मुद्दे की बात क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्टॉक का मैंने कंपैरिजन लेके आया हूँ। ठीक है, विप्रो और एससीएल टेक्नोलॉजी दोनों में ही लगभग 3 महीने का जो गिरावट देखने मिल रहा है, 6% और 4%। यहाँ पर चार्ट देख सकते हो दोनों का कितना शानदार मूवमेंट कर रहा है एक जैसा। ठीक है, तो आप इन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों कंपनियों का कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, 6 महीने की गिरावट आप लोगों को मैं बताता हूँ, 6 महीने में क्या मूवमेंट रहा। 6 महीने में भी सेम प्राइस जो ब्लू कलर का है वो आप लोगों को विप्रो का देखने को मिलेगा। ठीक है, एससीएल टेक्नोलॉजी का रेड कलर का देखने मिलेगा। विप्रो थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ है, लगभग ऊपर से गिर रहा है, तो यहाँ पर 13% की गिरावट 6 महीने में देखने को मिल रही है। लगभग एससीएल टेक्नोलॉजी में 4.5% की गिरावट, लगभग अगर मैं इसका सीधा 5 साल का, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो डिलीवरी लेता हूँ दोस्तों वो लेता हूँ 5 साल के चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विप्रो में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है यहाँ पर आप देख सकते हो। एससीएल टेक्नोलॉजी में 10% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो, ये स्टॉक आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफेयर करना है, ना कि आप लोगों को 6 महीने या 10 महीने के लिए। कि ऐसा नहीं है कि डिविडेंड दे रही कंपनी, एक दिन पहले खरीद लो डिविडेंड खा के निकल जाओ। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। आने वाले दिनों में कंपनियों का मूवमेंट आप लोगों को मिल सकता है। जैसे अभी आप लोगों को मैं बता दूं, एससीएल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अगर मोमेंटम पकड़ती है, तो जहाँ अभी आप लोगों को NIIT मोहन पुराने आपने तो जहाँ पर आप लोगों को एससीएल टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो NIIT टेक्नोलॉजी जो इस प्राइस पे मिल रहा है 1800-2000 के प्राइस पे, तो आने वाले दिनों में आप लोगों को ये कंपनियाँ भी वहाँ पर मिल सकती है। विप्रो का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एससीएल टेक्नोलॉजी का ज़रूर बोल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है कंपनी की, जो दोनों कंपनियों के मेन मुद्दे की बात है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, क्या है चीज़ वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं द इकोनॉमिक टाइम के ऊपर लेके आया हूँ, जो कि आज ही का न्यूज़ है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेम जी जो कि विप्रो के CEO है, और जो नादरा जी है वो आप लोगों को पता है एससीएल टेक्नोलॉजी के जो CEO है। तो इन दोनों को जो मार्केट क्रेश हुआ है उसमें 1.5 मिलियन का लॉस हुआ है दोस्तों, 1.5 बिलियन का सॉरी। ठीक है, मार्केट क्रेश होने पर लगभग 1 हफ्ते में। ठीक है, बाकी का और क्या न्यूज़ है आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ। बहुत सारी कंपनी IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली। टोटल अगर मैं बात करूँ तो ट्यूजडे के दिन लॉस जो हुआ है वो यहाँ पर 3.2 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, जो कि SCL, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा सन्स, TCS सब कंपनियों को मिला के इतना लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है दोस्तों वो शिव नादरा जी को हुआ है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1.6 बिलियन, मतलब लगभग अपने इंडियन करेंसी की मैं बात करूँ तो 16,000 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। वहीं पर अजीत प्रेम जी की मैं बात करता हूँ तो उन्हें लगभग 1.4 बिलियन डॉलर, जो कि अपने इंडियन करेंसी में 14,000 करोड़ का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप डरिए मत, ये कंपनियाँ लॉस में आती है प्रॉफिट में आती है, लेकिन आप लोगों को ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर मिलता है तो ये दोस्तों आप लोगों को एक शानदार मूवमेंट आने वाले दिनों में देगी। मार्केट गिरता है, गिरता इसी के लिए कि ज़्यादातर ट्रेडर्स आए डबल से यहाँ पर मूवमेंट ले। 1-2 साल से जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, जिन्होंने अभी तक इतना बड़ा गिरावट मार्केट में नहीं देखा होगा, वो भी यहाँ पर नए सीखेंगे, ढंग से इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे और अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। मेरा तो यही राय है दोस्तों कि आप लोग इन कंपनियों को जो न्यूज़ आता है उसे अवॉइड करते चलिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को देखिए। इन न्यूज़ का जो लॉसेस हुआ है वो तो अगर मार्केट चढ़ेगा, मान लो 6 महीने में अगर निफ्टी 13,000 कूद जाती है तो ये लॉस एक प्रॉफिट में बदल जाएगा। जहाँ आप लोगों को ये लॉस दिख रहा है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ेस है उस न्यूज़ का तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, इंट्राडे में आप डेफिनेटली मंडे को आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इम्पेक्ट पड़ते हुए दिखने को मिलेगा दोनों कंपनियों में। ठीक है, 52 बिकाई, विप्रो डबल से लगा सकता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट आप लोगों को यहाँ पर एससीएल टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को दोनों कंपनियों में दबा के माल खरीदना चाहिए और एक शानदार तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने अगर ये विप्रो को 300 के प्राइस पे पकड़ा है वो एवरेज मिलाइए, SCL टेक्नोलॉजी को 700 के प्राइस पे मिला है वो भी एवरेज मिलाइए। जो नए ट्रेडर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो यहाँ से बाय कर सकते हो, क्योंकि एक सस्ते दाम पर कंपनियाँ मिल रही है। मंडे को जो भी मूवमेंट होता है आसानी से कंपनियाँ का अच्छा वॉल्यूम है, फंडामेंटली टेक्निकल दोनों सब चीज़ें कंपनी का शानदार है। तो आने वाले दिनों में आप लोग इन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है। वीडियो को क्लोज करते समय एक बार फिर से मैं यही बोलूँगा दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है, जिस प्रकार से मैंने मार्केट का नॉलेज दिया, कंपनियों का नॉलेज दिया, तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए। देन चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही कंपनियों का अपडेट, देन इंट्राडे की टिप्स एंड रिकमेंडेशन जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सको वो आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।